बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलेकवर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग का। अगर आपके पास कोई मोबाइल है, J3 है या SM531 है, जहाँ सैमसंग का कोई भी मॉडल है, J3, J6 और इस तरह के सैमसंग का कोई भी मॉडल है, तो आप उसको रीसेट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसको रीसेट करना चाह रहे हैं, अपनी सेटिंग ओपन करें, कोई भी आपके पास मोबाइल है सैमसंग का, उसकी सेटिंग ओपन करें, स्क्रॉल ऑन करते जाएं, नीचे आ जाएं। जैसे आप स्क्रॉल ऑन आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक एंड रीसेट। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो बैक एंड रीसेट का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएं, नीचे लिखा हुआ है कि रीसेट, यानी कि ऑल सेटिंग करना चाह रहे हैं जी, हम ऑल सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ, इस पर आप क्लिक करें, रीसेट डेटा। यहाँ पर आपकी जीमेल आ जाएगी, जीमेल अगर आपने तमाम आपके मोबाइल के जो नंबर हैं वो डिलीट हो जाएंगे, आप अपने मोबाइल के नंबर स्क्रॉल कर लें, जो आपके सिम में वो डिलीट नहीं होंगे, और आपके फ़ोन मेमोरी में जो भी रिकॉर्ड होगा तमाम डिलीट हो जाएगा। जैसे ही अपना पासवर्ड को यानी कि लॉक को इंटर करेंगे तो आपका मोबाइल एक दफ़ा बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा थोड़ा सा चंद सेकंड वेट करना है, आपका जो जितना डेटा पर्सनल डेटा वो आपने पहले शेयर इट करके दूसरे मोबाइल में कर लें। यहाँ पर सैमसंग J3 यानी कि जो 3 Pro या कोई भी आपके पास सैमसंग का तरीकाकार तमाम का सेम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना। जैसे ही आपके सामने थोड़ा सा वेट करेंगे, ये एक इसका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही आपके सामने सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और उसके बाद आपने प्ले स्टोर की न्यू ID बनाना चाहे तो न्यू ID बना सकते हैं। उसके मतलब अगर आप कोई भी सैमसंग की वीडियो मिस नहीं करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ साथ जुड़े रहें। यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, यहाँ पर वेट करने के बाद हमारा सैमसंग का मोबाइल जो है दोबारा से ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आपके सामने स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करते आपके सामने देख सकते हैं आप चंद सेकंड यहाँ पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपडेट होता है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत सारे दोस्त वीडियो को स्किप कर देते हैं, बाद में उनको कुछ समझ नहीं आती, वो फिर दोबारा वीडियो को ओपन करते हैं और दोबारा देखना शुरू कर देते हैं। आप एक दफ़ा 2-3 मिनट की वीडियो होती है, सिर्फ एक दफ़ा देख लिया करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अभी आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इंटरफेस जो ओपन हो जाएगा वो आपके सामने भी मैं शेयर कर लूँगा। आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सिंपल। जैसे ही आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वाईफाई का एक ऑप्शन आया हुआ है, तो आपने वाईफाई के ऑप्शन को भी यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि आपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन आएगा, इसको भी आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पर राइट साइड में जहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है आपने। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर फर्स्ट अपना नेम लिखने, जो आप मेरा नाम अली अकबर है तो मैं अली अकबर नीचे ऊपर अली लिख लेता हूँ, नीचे अकबर लिख लेता हूँ। इसी तरह आपने भी अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपके सामने यहाँ पर नाम लिखा, नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गौर से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन यहाँ पर आपने इसको स्किप कर देना है, यानी कि अकाउंट अभी हम नहीं बनाएंगे, अकाउंट जीमेल का आप बाद में बना सकते हैं। यहाँ पर स्किप करें, फिर आप स्किप कर दें, यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके सामने फिर नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सिम की डिटेल है 1-1 पर आया, तो आप यहाँ पर इंटरनेट ऑन ऑफ़ कर दें ताकि आपका बैलेंस ना जाया हो। यहाँ मैंने अपना इंटरनेट ऑफ़ किया तो ओके किया, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन होगा, स्किप करें और आपका अकाउंट जो मुकम्मल तौर पर बन चुका है यहाँ पर आप स्किप कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ पर अगर आप अपने जो थंबनेल है रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना इसको भी स्किप कर दें। देख सकते हैं हमारे सामने आपका मोबाइल रीसेट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।